फरीदाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया जो आपको हैरान कर देगा, जहां पर बच्चों ने ट्यूशन जाने से बचने के लिए अपने ही अपहरण की झूठी कहानी रच दी। जी हां, फरीदाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र के NIT एरिया में 4 बच्चों के अपहरण की सूचना मिलने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस की आधा दर्जन टीम पूरे शहर में नाकाबंदी कर जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने जब 2 बच्चों से बातचीत की तो पूरी कहानी खुलकर सामने आई। पता चला कि बच्चों ने ट्यूशन जाने से बचने के लिए खुद के ही अपहरण की झूठी कहानी रची है। फिलहाल पुलिस ने बच्चों की काउंसलिंग कर परिजनों के हवाले कर दिया है। वहीं NIT के DCP कुलदीप सिंह ने बताया कि बड़ौली गांव निवासी नरेश की NIT 1 नंबर में वर्कशॉप है। वह रोजाना अपने बेटे व भतीजे को स्कूल छोड़कर आते हैं और बच्चे स्कूल से छूटने के बाद वर्कशॉप पर पहुंचते हैं। उन्होंने सूचना दी कि शुक्रवार स्कूल छूटने के बाद उनके बेटे और भतीजे का किसी ने अपहरण कर लिया है, उसके साथ 2 बच्चे और भी हैं। तभी पुलिस की आधा दर्जन टीम एक्टिव हुई और नाकेबंदी कर पूरे शहर में लगे CCTV फुटेज की जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिसमें बच्चों की कहानी सामने आई। जांच में पता चला कि बच्चों ने अपने अपहरण की गलत सूचना दी थी। बच्चों ने अपना बैग टाउन पार्क में छुपा रखा था, जिसे पुलिस ने बाद में बरामद कर लिया। नाम है, पहले आप नाम बताइए। गुलाब सिंह जी। गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जी, बच्चों की कितनी उम्र थी इनकी दोनों की? 1 के 14 साल, 1 के 10 साल। क्या नाम है? 1 का करण है, 1 रोहित है। करण है, रोहित है। इन बच्चों ने कहानी बनाई थी, कैसे इनके माँ प्रवृत्ति एक तरह से कैसे हो गई ये चीज़? अब देखो जी, आपके सामने जैसे झूठ बोला इन्होंने, बच्चे ने झूठ बोला ही है। हमारे भी पानी पानी हो गया था, हमारा भी। अब हम जब वहाँ गए उनके बताए, पूछो कुछ और बता रहा है, उनको कुछ और बता रहा है। जब पुलिस वाले ने बच्चे क्या बता रहे थे? बच्चे बता रहे थे कि क्या नाम है, हम वो इको गार्ड आए, दो बंदे ने धक्का दिया, हम गिर के ले गए। अच्छा। और हम बत्ती पे गाड़ी रुकी, गाड़ी रुकने के बाद हम धक्का मारा, धक्का मारने के बाद हम दाग गए। पूरी सच्चाई क्या है? पूरी सच्चाई है, सब झूठ है जी। सच्चाई है कि हमें बच्चे मिल गए, टाउन पार्क में आए थे बच्चे। अच्छा। स्कूल से छूटे सीधे यहीं आ गए। तो टाउन पार्क को आपको कैसे मिले थे? टाउन पार्क में बच्चे आपको कैसे पता? टाउन पार्क है हमारे जो भाई, हम ढूंढ रहे थे, हम सब्जी के हम 5 भाई 5 ढूंढ रहे थे। अब टाउन पार्क में छोटा वाला यहाँ से निकल जा रहा था, उसको मिल गए। अच्छा। उसको मिल गए, उनको वहाँ मिले पीछे, और ये हमको हम घर ले गए, इनको घर ले गए। हाँ, घर वाले बताया। तो पुलिस को धन्यवाद देते हैं? हाँ जी बिल्कुल, पुलिस वाले को धन्यवाद। हाँ जी, चलो बच्चों को आगे डांटे ना बस। ठीक है। क्या नाम है आपका? नरेश। नरेश जी, कहाँ रहते हैं आप? सेक्टर 75 गांव बड़ोली। गांव बड़ोली में रहते हो। हाँ। बता रहे हैं आपके बच्चों को किडनैपिंग कुछ इस तरह की चीजें हो गई हैं? हाँ जी, किडनैप हो गए थे। कैसे हुआ? कब? ये स्कूल से आ रहे थे, सजेबा जूस वाले कहेंगे गली है, वहीं से ही ये किडनैप हुए। गाड़ी वाले ने इको ही पता ना कौन सी गाड़ी, ये तो हमें नहीं पता, अभी पता नहीं चली। तो इसमें से ही निकाल, गेट खोला इनने, तो ये बच्चे हमें खींचे, तो खींच के ना इसमें बच्चे ने मुंह पे पट्टी बांध के इनमें रैप्टे रैप्टे बजाए हैं। तो ये बाटा पे इनने, जैसे गाड़ी मंदी हुई है ना, तो मंदी होते ही इनने खिड़की मतलब खोल लिया, धक्का वक्का मारे इन्हें, ये कूद के भाग आ गए। ये सेक्टर 12 में गए हैं, ये सेक्टर 12 टोन पार्क के। भाई से बात करी मैं, भाई ऐसे बात हो गई है, तो आप बच्चे वहाँ तक गायब हो गए, तुम ढूंढते ढूंढते आओ वहाँ से, कभी घर माई को उतना गए हो? तो भाई, छोटा भाई मेरा ढूंढता रहा, इनने 12 सेक्टर में भग रहे थे ये, तो घर माई को भग रहे, होपलेस हो रहे। तो ये भाई ये दिख गए, ये भाई दिखते ही जब ये फिर मुझ पर फोन आया, भाई ऐसे बातें यहाँ पर है। जब बच्चे ने बताया, भाई पापा ऐसे बात हो गई हमारी गैल कि हम किडनैप कर लिए थे, और मेरे रैप्टे रैप्टे बजाए हैं, और 2 बच्चे और हैं उसमें गाड़ी में। कितनी उम्र है आपके बच्चों की और कहाँ पढ़ते हैं? 1 10 साल का, 1 है 14 साल का। कहाँ पढ़ते हैं? ये केएल मेहता पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। कोई स्कूल से जानकारी मिली कि बच्चे? हाँ, स्कूल से आए, मैंने देखा, मैं छोड़ने जाता हूँ, छोड़ लेकर आता हूँ, तो वह दिन मैं नहीं गया, आज मैं थोड़े लेट हो गया। पुलिस वालों से भी आप लोगों ने कुछ जानकारी ली होगी, क्या मिला वहाँ से? कुछ नहीं मिला, पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये तो बंक मार रहा है स्कूल से। हाँ, वो झूठ बोल रहे हैं, मतलब बच्चे। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या हुआ है? ये देखो, अब आप देखो, किराने बच्चों को वहाँ से किडनैप करते हुए ऐसा कुछ देखा कुछ? नहीं, वहाँ पर तो कुछ नहीं देखा, एक गाड़ी आ रही है इको, उसमें वो तो कैमरा में आ रही है। खैर, अभी कुछ जानकारी नहीं मिल रही अभी। कोई ऐसा कोई जानकार है आपका, कोई जिसके पास गाड़ी हो, इको हो, ऐसा? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसी कोई जू नहीं हमारे बच्चे, हमें कहीं जाते ही नहीं है, स्कूल तो घर, घर तो स्कूल। बच्चे कहाँ मिले? बच्चे मिले 12 सेक्टर 12। हाँ जी।
क्या कर रहे थे? ये जा रहे थे घर में, जा रहे थे भागे भागे, बैग भी गाड़ी में पड़े थे इनके। अच्छा, हाँ, इनने अपनी जान बचा के मतलब भागे। बच्चे बच्चे अभी भीतर ही है, चौकी है इसमें, कोतवाली में, थाने में है। हाँ, पुलिस कुछ कह रही है? अभी अभी कुछ जवाब नहीं है। मेरा नाम उमेश भाटिया है, एक नंबर ब्लॉक में रहता हूँ मैं जी। जो जो बच्चे जो किडनैप हुए हैं, जो बच्चे किडनैप हुए हैं, इनके पिताजी की दुकान मेरे घर में है। ये एक नंबर स्कूल में पढ़ते हैं, केरल मेहता में, गीता मंदिर रोड पे। ये स्कूल से 2 बजे छुट्टी हुई इनकी, 2:15 तक घर आए थे हैं। जब ये 2:30 तक घर नहीं आए हैं तो इनके पिताजी ने घर में फ़ोन किया कि बच्चे नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि ट्यूशन में ही पढ़ते हैं, ट्यूशन में चेक करो। ये स्कूल गए, स्कूल से मैडम ने बोला कि बच्चे स्कूल से चले गए हैं, ट्यूशन गए, ट्यूशन बच्चे पहुँचे नहीं हैं। तो इसके बारे में जो ढूंढ फिर में लगे हैं, तो इनका गांव है बड़ोली में, इनके वहाँ से जब चाचा वगैरह वहाँ से ढूंढते हुए निकले हैं, तो इन्होंने क्या किया, मौके पे वहाँ से रस्ते में टाउन पार्क पड़ता है, वहाँ से ढूंढते हुए आए तो बच्चे टाउन पार्क में बैठे हुए मिले इनको। तो बच्चे बता रहे हैं कि इनको एक नंबर मार्केट से सजेवा जिसकी मोड़ से इनको मुँह बांध के इनको गाड़ी में उठा के ले गए इनको। जब बाटा रेड लाइट पर रुके हैं, वहाँ से बच्चों ने छलांग मार के 12 को भागे हैं ये, और ये वहाँ जाके पार्क में बैठे हैं ये, और इनका बैग उसी बच्चे उसी गाड़ी में है। और बच्चे बता रहे हैं कि उसी मौके पर उस गाड़ी में 2 बच्चे और बेहोश पड़े थे पहले से, और वहाँ से ये भाग के जब उनका चाचा उनको ढूंढा तो उनको खबर मिली कि यहाँ पे खबर दी कि ये बच्चे यहाँ पे हैं, तो इनको वहाँ 12 से हम यहाँ लेके आए हैं यहाँ पे। और मौके पे आके हमने 111 पे कंप्लेंट करी है, और वहाँ मौके पे सारे सभी पुलिस वाले आए हैं, वहाँ से बच्चों को लेके ये एक नंबर कोतवाली में ले आए हैं। कितनी उम्र है बच्चों की? बच्चों की 8 साल और 10 साल, 8 साल और 12 साल उम्र है 2 बच्चों की। कुछ पता चल पाया है कि कौन थे वो लोग, इनको गाड़ी क्या थी? अभी कुछ नहीं पता चल पाया, ये पता लगा हुआ कैमरे से जो हमने निकाली है, अपनी अपने तरफ से जो निकाली है फोटोज निकाली है, इको गाड़ी मिली है वाइट रंग की, जो बच्चे बता रहे थे कि वाइट रंग की गाड़ी है, इको गाड़ी वहीं से आई है और मौके पे इनको खींच के इनको ले गई है। सीसीटीवी जो बता रहे हैं आप, सीसीटीवी में ऐसा कुछ दिख रहा है? सीसीटीवी में गाड़ी आते हुए दिखी है अभी, और कैमरे हम चेक नहीं कर पाए क्योंकि ये पुलिस वाले बच्चे दिखे हैं वहाँ से स्कूल पैदल आते हुए, और पीछे से गाड़ी आई है और ये गाड़ी इनको लेके चली गई है। गाड़ी का नंबर वंबर वो अभी प्रॉपर नहीं शो पाए क्योंकि हम ऊपर कैमरा चेक नहीं कर पाए, या तो पुलिस वाले चेक करेंगे या हमारे को टाइम दिया हम जाके चेक करें। अब इन्होंने हमको यहाँ कोतवाली बुला लिया, बच्चों को अंदर बैठा लिया, वहाँ मौके पुलिस वाले उनको कह रहे हैं कि बच्चा बंक मारता है, बच्चा स्कूल ही नहीं गया। जब बच्चा स्कूल का प्रॉपर अटेंडेंस है, स्कूल की टीचरें वहीं पे आई हैं मौजूद मौके पे, तो बच्चे ने बंक कैसे मारी है? बच्चों के माता पिता क्या करते हैं? बच्चे के पिताजी की प्रिंटिंग की दुकान है मेरे घर में, और ये बड़ोली गाँव में रहते हैं, इनके माता जी घर पे बड़ोली गाँव में होती हैं। बताया इस चीज़ के बारे में, और उनको साथ लेके टाउन पार्क आए थे, और जो भी जो बैग थे वो हमने रिकवर करके बच्चों को दे दिए हैं, और इनकी काउंसलिंग भी कर दी है, घर वालों की भी उनकी, और बच्चों को उनके हैंड ओवर कर रहे हैं। पूरी ये किडनैपिंग की स्टोरी थी, ये सब बच्चों की बनाई हुई थी? ये बच्चों के खुद के माइंड की माइंड से अप्लाई कर रखा था, कि आजकल आप पता है सोशल मीडिया में सब कुछ चलता रहता है, लोग रील्स देखते रहते हैं, तो ये बच्चों ने वही किया है कि मतलब वही अप्लाई कर दिया। और ये लड़का इसकी साल उम्र जो बड़ा है 14 साल का है, इन्होंने ये सारी ट्रिक अपने चाचा को बताई कि ऐसे ऐसे ये फेक हमने जो रचा है सारा सारा फेक था, और हमने ऐसे ही बता दिया कि हमें वैन में डाल दिया, झूठा है सारा। सर ऐसी चीज़ें थी सर, इस तरीके की मानसिकता बच्चों में आ जाती है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों में? ऐसा कुछ ना, बच्चों को ना ऐसी चीज़ उसे अवॉइड करो, जैसे अपना सावधान इंडिया है उसमें मतलब अपराध करने के लिए जो नई नई चीज़ें दिखाई जाती हैं, या सोशल मीडिया पर आजकल चल रहा है, आपके बच्चे फेसबुक देखते हैं तो वहीं से चीज़ें सीखते हैं, तो बच्चों को मोबाइल से सोशल मीडिया से थोड़ा इग्नोर करो, अच्छी चीज़ें दिखाओ, और उनकी काउंसलिंग भी टाइम टू टाइम कराते रहो अगर बच्चों के अंदर ये चीज़ें हैं। ठीक है, धन्यवाद।